आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं डू वाइल के बारे में और ये तीसरा और आखिरी लूप है यूज होता, है, बहुत, बहुत ही कम यूज होता है. Anyway, है तो अब तो सीखना है जब सिलेबस में है जब जावा लैंग्वेज में है तो हमें सीख लेना चाहिए राइट right? तो सबसे पहली बात कि ये भी वाइल्ड लूप की तरह तुम्हारा ऐसा लूप है जब जो हम उस वक्त यूज करते हैं जब आइटरेशन हमें पता ना हो राइट right. लूप के अंदर हम उस वक्त घुस रहे हैं जब सिर्फ हमें पता है कि एक की वैल्यू क्या है अब कहां तक जा रही है हमें वो नहीं पता है फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग हमें ये नहीं पता है कि इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है तो मेन चीज यहाँ पे आता है इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है या क्या भी हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ आइटरेशन होने वाले हैं हमें ये नहीं पता है तो सेम केस था ना जब हमें ये नहीं पता था तो हम वाइल्ड लूप भी यूज करते थे उसी केस में हम डू वाइल्ड लूप भी यूज करते हैं फाइन

सिंपली लूप है डू डू से लूप स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली क्योंकि डू वाइल लूप है तो डू एंड उसके बाद हम सीधा घुस जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे एक ही वैल्यू कर दे रहे प्रिंट एंड उसके बाद एक ही वैल्यू को हम टू से टू से मल्टीप्लाई कर दे रहे तो इट वाज सेम एज ए इज इक्वलप्लाइड बाई टू राइट तो ठीक है दोनों ही चीज बताना था मुझे इसलिए दोनों एग्जाम्पल में मैंने दो तरीके से लिखा Fine. लेकिन सबसे में जो है छोटा कि है बड़ा है इक्वल है कैसा है कुछ भी हमने चेक नहीं किया हमने सिंपल ए को घुसा दिया लूप के अंदर और कर दिया उसकी वैल्यू को प्रिंट उसके बाद हमने उसका वैल्यू जो है वो टू से मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड उसके बाद जाके हमने चेक करा है कि ए जो है वो टेन से छोटा है या बड़ा है अगर अब वो मान लो छोटा है तो वो फिर से डू वाले प्रोसीजर में जाएगा और इस चीज को रिपीट करेगा लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये 200 हो गया या कुछ भी अगर 10 के इक्वल या उससे बड़ा हो गया तो बस यहीं पे जाके रुक जाएगा ठीक है तो एक बार हम इसको रन करा ले रहे हैं उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेकर के चीजें और अच्छे से क्लियर कर दूंगी तो कंट्रोल एस से किया हमने सेव एंड देन इसको कर देते हैं रन तो जब हमने इसको रन कराया तो देखो ये कैसे स्टार्ट हो रहा है तो एज इक्वल टू वन से स्टार्ट हुआ है ठीक है तो A की वैल्यू जो भी थी उसके साथ वो लूप के अंदर घुसा उसने कर दिया प्रिंट एंड उसके बाद मल्टीप्लाई एंड देन इट चेक तो इस तरह से एट तक तो समझ आ गया अब A की वैल्यू हो गई सिक्सटीन राइट right? तो यहाँ पे आके उसने चेक किया तो ए ने तो सॉरी लूप ने यहाँ पे बोल दिया कि नहीं तुम टेन से बड़े हो बाय बाय तो ये लूप से बाहर निकल गया राइट right? तो बस निकल गया तो अब ये घूम के नहीं जाएगा अब व्हाट इफ इसकी वैल्यू हो 100 यहाँ भी जो भी चीज हमने लिखा है सब लूप के अंदर लिखा है राइट right? लूप के बाहर हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो व्हाट इफ हमारे a की वैल्यू जो है वो 100 है तो इवन इफ हमारे a की वैल्यू 100 है लूप में घुसते टाइम हम कुछ भी चेक नहीं कर रहे हैं राइट right? हम चेक नहीं कर रहे है कि a की वैल्यू क्या है तो इसका मतलब ये कि ये 100 प्रिंट कर देगा तो देखो a इज इसने प्रिंट किया उसके बाद एक वैल्यू है उसको उसने टू से मल्टीप्लाई करा अब एक वैल्यू हो गई टू हंड्रेड एंड देन इट चेक इफ इट इज लेस देन टेन और नॉट तो इट वॉज नॉट लेस देन टेन तो बस हट गया लूप खत्म तो यहां देखो हम कहां पे जाके कंपेयर करें तो हम एग्जिट के टाइम में सब काम कर ले रहे हैं और उसके बाद दरवाजा बंद करके और फिर लॉक को खींच खींच के चेक कर रहे हैं कि अच्छे से लॉक हुआ है या नहीं हुआ है राइट right? तो so ये काम हम कर रहे हैं हम एग्जिट के पास जाकर के चेक कर रहे हैं दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप एंड नॉट एंट्री कंट्रोल ये चीज समझ के एक और क्वेश्चन तुम्हारा ये आ सकता है कि ऐसा पॉसिबल है क्या कि वाइल्ड लूप एक बार भी रन ना करे तो ऑब्वियसली इट वाज़ पॉसिबल हमने देखा था जब हमने एक ही वैल्यू हंड्रेड फिक्स करी थी तो एक बार भी लूप के अंदर घुसा ही नहीं तो जीरो आइटरेशन राइट लेकिन क्या डू वाइल लूप में ये चीज पॉसिबल है तो बिल्कुल नहीं ये चीज ध्यान रखना है 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 कि वो वो एक बार तो 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 करेगा करेगा ही करेगा। यहीं पे पे देख लो एक ही value 100 है। मतलब जहां पे हम चेक कर रहे लेकिन के अंदर घुसा उसने वैल्यू प्रिंट करी उसने टू से मल्टीप्लाई भी किया तो सब कुछ किया है एक बार एटलीस्ट डू वाइल लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता ही करता है उसके बाद डिपेंडिंग ऑन कंडीशन बट एटलीस्ट एक बार सेम इज नॉट ट्रू फॉर वाई लूप तो चलो यहां से इसी के साथ हमारा लूप का चैप्टर हो गया कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में हम अरे पढ़ने वाले हैं तब तक के लिए गुड बाय